बैटरी से चलता है, चार्जेबल है। इसके साथ 60 फीट का एक पाइप आता है और इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है वाटरिंग करने में, देख सकते हैं। अब इसको कैसे करना पड़ता है यही मैं आपको दिखा रहा हूं, एक हाथ से कर रहा हूं वीडियो, और रात के समय है, हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो फोकसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप बस समझ जाएं। नमस्कार दोस्तों, ये मेरा कुछ स्प्रेयर्स है, इसी से ही मैं प्लांट्स में पानी देता हूँ, दवाई देता हूँ। कई दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो यही आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ, कौन सा स्प्रेयर को किस टाइम और किस कारण से यूज करना पड़ता है, और मैं कौन सा इसका केयर कैसे करता हूँ, इसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो अच्छा लगे तो देखते रहे, और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वीडियो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बस मेरा कुछ खुद का पसंद का कुछ सामान है, अच्छा लगे तो देख सकते हैं। ये जो स्प्रेयर है ये सबसे सस्ता आता है, 20 से 30 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। हार्डवेयर स्टोर से आप इसको परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन में मत खरीदे, दाम बहुत ज्यादा आता है। 20 से 30 रुपए में ये आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका प्रॉब्लम जो है ये इसका जो नोजल है ये जाम हो जाता है, स्प्रिंग कट जाता है और इसका वॉशर खराब हो जाता है, तो यहाँ से पानी लीक करता है। फिर भी 30 रुपए में ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप इसका ये जो हेड है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एक दो प्लांट में अगर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, दवाई देना है, इंसेक्टिसाइड्स देना है, तो इसमें आप थोड़ा सा दवाई बना के इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं, काम का चीज है, मैं अपने पास ये एक रखता हूं। अब ये एक स्प्रेयर है, इससे 50 रुपए में ये आपको मिलता है। इसका जो नोजल है ये मेटल है, ब्रास का है, पीतल का है, प्लास्टिक का भी है, प्लास्टिक वाला जो है वो दाम थोड़ा सा कम होता है। आप अपने जरूरत के हिसाब से ऐसा एक बोतल में इसको दवाई बना के दे सकते हैं, पानी देने के लिए इतना अच्छा नहीं है, बस दवाई देना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 250 ml, 50 ml, 50 ml, जैसा आपको चाहिए, बस आपको ये स्प्रे करके इसके अंदर एयर टाइट, एयर को थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ता है और उसके बाद स्प्रे करना पड़ता है, बस ऐसे। इसका प्रॉब्लम भी ऐसा ही है, वॉशर कट जाता है, इसका नोजल खराब हो जाता है और बार बार ऐसे स्प्रे करना पड़ता है, और यहां से भी कभी कभी पानी लीक होता है, लेकिन फिर भी अच्छा स्प्रे देख सकते हैं, अच्छा ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा साफ सफाई करके रखना पड़ता है, तो सेडिमेंट नहीं पड़ता है। 40-50 रुपए में ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, रख सकते हैं, मेरे पास एक है, मैं कभी कभार इसको यूज करता हूँ, इसको मैं बहुत ही यूज करता हूँ, 3 लीटर का है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का बना है, वॉशर काफी अच्छा है, इसका नोजल भी काफी अच्छा है, प्रेशर स्पीड और ज्यादा पंप नहीं करना पड़ता है, बस 1, 2, 3 करते हैं तो अंदर में काफी सारा एयर प्रेशर तैयार हो जाता है, अच्छा स्प्रे भी अच्छा होता है, पानी नहीं है अभी इसमें, ये बहुत ही काम का चीज है। कई लोगों ने मुझसे मेरे हाथ में इसको देखे हैं, 300 रुपए से शुरू होता है इसका प्राइस, 3 लीटर का है, ऑनलाइन में मैंने बहुत खोजा था, ऑनलाइन में नहीं मिला, ऑफलाइन में मैंने इसको लिया है, प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और बॉडी पार्ट्स सभी अच्छा है, बस अंदर में जो एक वॉशर रहता है वो कभी कभी कट सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखे, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस 2, 3, 4, बस उससे ज्यादा नहीं है, बहुत ही काम का चीज है, 3 लीटर है, एक बार दवाई बना लेते हैं तो सारे प्लांट में एक बार या दो बार से पूरा काम हो जाता है। पानी देने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर गार्डन में छत पे कम प्लांट है तो आप ऐसा एक रख सकते हैं, 5 लीटर का है, प्लास्टिक उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, 200 रुपए इसका प्राइस है, लेकिन फिर भी 1-2 प्लांट, 10-20 प्लांट में 5 लीटर काफी काफी होता है, 5 लीटर पानी इसको आप यूज कर सकते हैं, अच्छा है,
इसका जो ऊपर का कैप है ये प्लास्टिक का है, थोड़ा सा मेटल ब्रास या फिर पीतल का आ जाए तो इसका प्राइस और भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ये 200 में लिया है ऑफलाइन परचेस, ऑनलाइन में ऐसा ऑप्शन आपको काफी सारा मिल जाएगा। ये जो है ये तो एकदम समझ ही सकते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होता है मेरे छत पर प्लांट्स में पानी देने के लिए। ये एक ऐसे इसको तीन चार मोड है पानी देने का, आप 100-120 के आसपास ये जो गन है ये मिलता है, और आप अपने हिसाब से ऐसा जो पाइप है वो खरीद ले। सब प्लांट में आप इसको दे सकते हैं, कई सारा मोड है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है मेरे छत में। कई दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि मैं अपना ये जो बैटरी स्प्रेयर है इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, काफी सारे लोगों ने जानकारी के लिए मुझसे संपर्क किया, इसी का एक डेमोंस्ट्रेशन मैं दे रहा हूं। ये बैटरी से चलता है, इसके साथ आपको एक चार्जर मिलता है, इसका दो आउटलेट है, एक है ये इसका इनपुट है, यहां से ये पानी पंप के अंदर जाता है, पंप पानी को खींचता है और इस पाइप से पानी बाहर जाता है, ये इसका आउटपुट है, ये इनपुट ये आउटपुट। इसमें एक फिल्टर दिया गया है, देख सकते हैं पानी में कहीं कोई गंदगी रहे तो पंप के अंदर नहीं चला जाए, इसी के कारण से ये दिया गया है, बहुत ही काम का चीज है। इसको पानी के अंदर डाल देना पड़ता है, देख सकते हैं डाल दिया है इसको, इसके साथ ये जो पाइप है ये 60 फीट का एक पाइप है, मेरे छत छोटा छत है इसके हिसाब से तो बहुत ही बड़ा है, और ये जो दो बटन दिख रहा है आपको ये दो मोटर के लिए है, अंदर में इसका दो मोटर है, आपको ज्यादा प्रेशर चाहिए तो दोनों को ही ऑन कर दे, कम प्रेशर चाहिए तो बस एक ही मोटर को ऑन कर दे, कम प्रेशर रहेगा। यहां पर ये जो दिख रहा है ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, और लाइट वेट है 6-6.5 किलो के आसपास है इसमें, और ये जो है इसका मेटल काफी अच्छा है, एल्युमिनियम का है, ब्रास पीतल का है, ये नोजल भी पीतल का है, काफी अच्छा इसका क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। अभी इसको चला के आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दिखाते हैं, दोनों मोटर को ही ऑन कर दिया है, इसका जो खासियत है मुझे अच्छा लगा, इसका जो ग्रिप है ये ट्रिगर है, इसको ज्यादा जोर से दबाएंगे तो ये पानी बहुत फोर्स से निकलता है, इसका ग्रिप को थोड़ा सा ढीला कर देंगे ऐसे, ढीला जितना ज्यादा ढीला करेंगे ये उतना ही मिस्ट बनता है। देखिए और एक बार दिखाता हूं, देखिए ग्रिप को ढीला छोड़ देंगे, ये बहुत ही पानी देने में बहुत मजा आता है, इससे इसका प्रेशर इतना अच्छा है, बैठे बैठे आप पूरे गार्डन में ही आप वाटरिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है आप अगर आपको इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स या फिर फंजिसाइड आपको स्प्रे करना है, प्लेन जा रहा है सर के ऊपर से एकदम,
बहुत नॉइज है, बाहर पटाखे फूट रहे हैं, मेरे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वीडियो बनाना काफी मुश्किल हो रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपके आपके साथ कुछ नॉलेज मैं शेयर कर पाऊँ, कुछ जानकारी। तो आगे बढ़ाते हैं, ये इसका देख सकते हैं, ये जो है ये बहुत ही काम का है, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड, ये अगर आप ऐसे मिस्ट करके प्लांट्स पर स्प्रे करेंगे ये बहुत ही लाभकारी होता है प्लांट्स के लिए, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। आप सिर्फ पानी भी देना चाहें तो दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा और मजेदार है ये। अब इसका प्राइस कितना है, 4,500 रुपए इसका, इसको मैंने लिया है 4,500 रुपए से लिया है, इंडियन प्रोडक्ट है, कोई भी पर्स अगर खराब होता है, कुछ भी खराब होता है रिप्लेस कर सकते हैं, बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी पार्ट्स अगर खराब होता है आपको लोकल मार्केट में ही इसका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, और इंडियन प्रोडक्ट है, ये भी एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन जो मुश्किल है वो ऑनलाइन में आपको ये नहीं मिलेगा, मैंने ऑनलाइन में बहुत सारा साइट में इसको खोजा था, ऐसा प्लांट में जो स्प्रेयर आप हम जो यूज करते हैं, लेकिन नहीं मिला, मैंने ऑफलाइन से ही परचेस किया है और बहुत ही सेटिस्फाई हूं मैं इससे। अब देखते हैं आगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और हाँ, और एक जानकारी, जब यूज हो जाने के बाद इस पाइप में थोड़ा सा पानी अटका रहता है, इसको भी आप खाली कर दे, नहीं तो इसके अंदर एल्गी या फिर कुछ गंदगी तैयार हो सकता है, तो इसको भी खाली कर देना है, और बीच बीच में आपको इसको चार्ज में लगा देना है। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, ले सकते हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।